देखिए, हमने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में, हम थोड़ा पीछे के लेक्चर्स का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के इम्पोर्टेंस पढ़े थे, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं जो उसके बारे में बताया था। और थर्मोडायनेमिक टर्म्स हम नॉर्मली अपन बार बार बोलते हैं, सिस्टम है, सराउंडिंग है, वो सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े थे। टाइप्स ऑफ सिस्टम में मैंने आपको सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और हीट के एक्सचेंज के बेसिस पे, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और हीट का जो एक्सचेंज होगा उसके बेस पे सिस्टम के थ्री टाइप्स बताए थे। एक तो बताया था ओपन ओपन सिस्टम, एक बताया था क्लोज सिस्टम और एक बताया था आइसोलेटेड सिस्टम। ये थ्री टाइप्स बताए थे मैंने। बताया था ओपन सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम का मतलब है कि वो ऐसा सिस्टम जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब मास और हीट, या फिर कह सकते हैं मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो ओपन सिस्टम है। यानी हम कहेंगे कि इसके लिए डेल एम नॉट इक्वल टू जीरो और इंटरनल एनर्जी जेंस नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये क्या है, ओपन सिस्टम क्या, सराउंडिंग के साथ मास का एक्सचेंज करता रहता है, तो इसका मास जो हुआ होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी कि मास में चेंज जीरो के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से वो हीट का भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या है, उसकी चेंज होती रहेगी, जीरो के इक्वल नहीं होगी। इसी तरह से मैंने क्लोज सिस्टम में बताया था, क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मटेरियल का तो एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन हीट का एक्सचेंज होता रहता है। तो हीट का एक्सचेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी तो वही है, चेंज होगी, जीरो के इक्वल नहीं होगी, तो डेल ई नॉट इक्वल टू जीरो, बट मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मास में चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने बताया था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मास का एक्सचेंज होता है और ना ही क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, तो उस कंडीशन में मास भी कांस्टेंट रहता है, तो मास में चेंज जीरो होगा और इंटरनल एनर्जी में चेंज भी जीरो होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हम डिवाइडेशन करते हैं, यानी टाइप्स अपन पढ़ते हैं, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ये जो सिस्टम का जो अलग अलग सिस्टम है, इनके अपन टाइप्स जो पढ़ रहे हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सिस्टम और जो सराउंडिंग है उनके बीच की बाउंड्री कैसी है। ठीक है, बाउंड्री का मतलब, जैसे मैंने बताया था कि सिस्टम और जो सराउंडिंग है उनके बीच में रियल बाउंड्री भी हो सकती है और इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है। देखिए, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इमेजिनरी बाउंड्री है, इमेजिनरी का मतलब है कि जैसे सिस्टम, मैंने ये मान लिया कि ये सिस्टम है और रिमेनिंग सारा सराउंडिंग है, तो मैंने ये माना ये सिस्टम में कोई बाउंड्री थोड़ी इसके बाहर चारों ओर नहीं है, तो ये जैसे इस तरह की कंडीशन है, इमेजिनरी बाउंडिंग बाउंड्री अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में है, तो वो सिस्टम सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करेगा, तो उस कंडीशन में हम ये कह देंगे कि ये क्या है, ओपन सिस्टम है। अगर हमने सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में रियल बाउंड्री लगा दी, ठीक है, यानी जिसको हम थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, उस सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने के लिए हमने रियल बाउंड्री लगा दी, तो रियल बाउंड्री लगाने पे क्या होगा, जो क्लोज सिस्टम है वो सराउंडिंग के, जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ क्या करेगा, हीट का एक्सचेंज करेगा, रियल बाउंड्री, इसलिए मास का एक्सचेंज कर नहीं पाएगा, तो हीट का तो एक्सचेंज करेगा, तो उस कंडीशन में क्या है, उसे हम बोल देते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक है, और आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एडियाबेटिक वॉल होती है, एडियाबेटिक वॉल होती है। एडियाबेटिक वॉल का मतलब है कि जिस जिस सिस्टम को हम ले रहे हैं, जिस जिस पार्ट यूनिवर्स के जिस पार्ट को थर्मोडायनेमिक स्टडी हो तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको हमने सराउंडिंग से क्या कर लिया एडियाबेटिक वॉल के थ्रू हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, तो उस कंडीशन में ये जो सिस्टम होगा ये सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कह देंगे, ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो ये होते हैं ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था, थर्मस फ्लास्क। अगर इस थर्मस फ्लास्क को अपन आइसोलेटेड मान रहे हैं, तो थर्मस फ्लास्क के अंदर रखा हुआ कोई भी गर्म लिक्विड जो होता है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थर्मस फ्लास्क के अंदर अपन ने अगर गर्म लिक्विड रख दिया और थर्मस फ्लास्क जो है वो आइसोलेटेड है, यानी कि सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा,
तो उस कंडीशन में जो हॉट वाटर है या फिर कह सकते हैं कोई भी गर्म लिक्विड है वो ठंडा नहीं होता होना चाहिए, लेकिन थर्मस फ्लास्क में एक टाइम के बाद वो क्या है ठंडा हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं है, 100% एडियाबेटिक नहीं है या फिर कह सकते हैं 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। ये कुछ मात्रा में क्या करता है कुछ मात्रा में सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज करता है, तभी क्या होता है उसके अंदर जो गर्म लिक्विड रखा हुआ होता है वो थोड़ी देर क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है। ये हम इमेज ही नहीं करते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन कोई भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड या 100% एडियाबेटिक नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कंपोजिशन के बेस पे, बेसिस ऑफ कंपोजिशन टाइप्स ऑफ सिस्टम। कंपोजिशन के बेस पे सिस्टम के टाइप क्या होते हैं? कंपोजिशन के बेस पे सिस्टम दो तरह का होता है, एक तो होता है होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, और एक होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके प्रत्येक पार्ट का कंपोजिशन क्या हो सेम रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे गैसों का मिक्सर है, मिक्सर ऑफ गैसेस। अब गैसेस के मिक्सर को देख के हम ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर कि ये इस गैस का मॉलिक्यूल ये है, इस गैस का मॉलिक्यूल ये है, यानी देखने में वो बिल्कुल क्या लगे होमोजेनियस लगे। इस तरह का सिस्टम जिसके जिसके प्रत्येक पार्ट का कंपोजिशन क्या हो सेम रहे, दैट्स कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है कि इस तरह का सिस्टम जिसके प्रत्येक पार्ट का कंपोजिशन सेम नहीं होता, वेरी करता रहता है, जिसे हम देख के अलग अलग हमें दिखाई दे कि ये सब्सटेंस ये है, ये बाहर से देखने पर अपने को लगे ऐसा, तो ये क्या है हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। ठीक है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मैंने ये कहा था कि सिस्टम अगर इस तरह का सिस्टम जिसमें मटेरियल इस तरह का सिस्टम जिसके जो गुण है वो उस सिस्टम में प्रेजेंट मटेरियल की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करे, उस मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करे। ठीक है, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि इस तरह के गुण सिस्टम के, इस तरह के गुण जो सिस्टम में प्रेजेंट मटेरियल की अमाउंट पर डिपेंड करते हो। ठीक है, तो उसमें मैंने ये बताया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मैंने एग्जांपल क्या बताया था, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, और जैसे मोलर एनर्जी है, मोलर एनर्जी में मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर फ्री एनर्जी, यानी जितनी भी एनर्जीज अगर मोलर निकाले, मोलर एनर्जीज निकाले वो। इसी तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बहुत सारी पढ़ी थी हमने, पढ़ा था कि जैसे वॉल्यूम है, मास है, फोर्स है, एरिया है, मोल है, ये सब पढ़ा था, कंसंट्रेशन। तो देखिए ये कैसे, मतलब किस तरह से ये इंटेंसिव है, किस तरह से एक्सटेंसिव है, ये एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि 1 mNaCl का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, 1 mL एक्वस NaCl सॉल्यूशन है 1 लीटर। ठीक है, यानी कि 1 mL एक्वस NaCl सॉल्यूशन ले लिया, मैंने 1 लीटर ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूं कि इसमें 1 mL एक्वस NaCl सॉल्यूशन का 1 लीटर और ऐड कर दिया। ठीक है, यानी टोटल सॉल्यूशन कितना कर दिया मैंने, 2 लीटर कर दिया। अब देखिए इस सॉल्यूशन में 1 लीटर से सॉल्यूशन 2 लीटर हो गया तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गई, इसलिए क्या है वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जब अमाउंट को अपने चेंज किया तो वॉल्यूम चेंज हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है एक्सटेंसिव है। जब आपने 1 लीटर सॉल्यूशन को 2 लीटर किया तो उसका मास भी चेंज हो गया।
ठीक है, यानी अमाउंट को चेंज करने से उसका मास भी चेंज हो गया, इसका मतलब मास भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आप देखिए कि जैसे कि आपने 2 लीटर सॉल्यूशन किया, तो 2 लीटर सॉल्यूशन में मोल भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, पहले जितने मोल थे उससे डबल मोल होंगे, तो मोल भी क्या है, एक तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जबकि ये जो कंसंट्रेशन होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे, क्योंकि आपने जब 1 लीटर सॉल्यूशन था उसको 2 लीटर कर दिया, तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो 1 m ही है, ये थोड़ी 2 m हो जाएगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही अमाउंट को चेंज करने से, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। या फिर टेम्परेचर की बात करें, अब देखिए 1 m NaCl सॉल्यूशन 1 लीटर था, तो मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे था, रूम टेम्परेचर पे था, रूम टेम्परेचर पे इतना ही सॉल्यूशन हमने और ऐड कर दिया, तो अब ये तो है नहीं कि 2 लीटर सॉल्यूशन में 2 लीटर सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 2 लीटर सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर भी कितना ही रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब अपन ने 1 लीटर से 2 लीटर सॉल्यूशन कर दिया तो भी टेम्परेचर वही रहा, यानी अमाउंट का वेरिएशन किया फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से जैसे हम बात करें कि हम एक पढ़ते हैं, देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे होंगी, देखिए कभी हम ऐसे नहीं कहते हैं कि 50 ग्राम वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, या फिर कहेंगे कि कोई भी लिक्विड है ये इतने ग्राम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। हम पर्टिकुलर उसी लिक्विड या फिर कह सकते हैं कोई भी मटेरियल का नाम लेके हम ये कहते हैं कि ये मटेरियल जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आप देखिए, आप चाहे 1 लीटर पानी को गर्म कीजिए वो भी 100 डिग्री पे ही उबलेगा, आप चाहे 2 लीटर पानी को गर्म कीजिए वो भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही उबलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी क्या है एक्सटेंसिव है। इसी तरह से जैसे हम एक तो स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ते हैं, हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं और एक हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं। इसमें से जो हीट कैपेसिटी है वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि कोई भी जो मेटेरियल है उस मटेरियल की कोई भी जो गिवन अमाउंट दिया है, यानी किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितना टेम्परेचर हम उसको देंगे, जितनी हीट हम उसको देंगे, तो रिक्वायर उसे हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो हम देखिए मटेरियल का अपन ने 10 ग्राम लिया है, यानी कोई भी 10 ml या 10 ग्राम मटेरियल लिया है, एक मैंने इसको डबल कर दिया, 20 कर दिया, मटेरियल का अमाउंट डबल कर दिया, तो अब 10 ग्राम मटेरियल का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे थे तब हीट दे रहे थे, एक 20 ग्राम सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी हीट देंगे वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसी वजह से हीट कैपेसिटी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मटेरियल के अमाउंट पर डिपेंड कर रही है, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इंटेंसिव होती है। कैसे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी मटेरियल के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो 1 ग्राम मटेरियल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड हीट है, तो आप कितना भी अमाउंट लो उससे मतलब ही नहीं है, यानी मटेरियल का अमाउंट चेंज कर रहे हो, कितना भी अमाउंट लो, 10 ग्राम लो, 20 ग्राम लो, 30 ग्राम लो, उससे मतलब नहीं है। अपने को तो सिर्फ 1 ग्राम मटेरियल से मतलब है कि उस मटेरियल जो है उसका 1 ग्राम अगर लेंगे, 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी क्या होती है, m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर अमाउंट अगर हम चेंज करेंगे मटेरियल का तो मास भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के चेंज को कैंसिल आउट कर देंगे, उस वजह से डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। यानी डेंसिटी क्या रहेगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये यहाँ पे ये भी बताया था मैंने कि जब भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो निकालते हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। इसी तरह से ये जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर है, सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स और एरिया जो है वो तो क्या है,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इनका रेशियो जो है, इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या निकल के आएगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी क्या है इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो मटेरियल की अमाउंट पर डिपेंड करेगी और कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करेगी, यानी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक स्टेट, यानी स्टेट ऑफ सिस्टम। थर्मोडायनेमिक स्टेट या स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट्स का क्या मतलब बताया था, स्टेट का मतलब मैंने बताया था कि जब कोई भी सिस्टम जो है उसके जो वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, उनका एक अगर किसी कंडीशन में फिक्स वैल्यू होता है तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं कि सिस्टम जो है पर्टिकुलर स्टेट में है। ठीक है, यानी किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन या फिर कह सकते हैं मोल वेरिएबल्स को काम में लेते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में ये जो मोल है इसको मोस्ट ऑफ हम कांस्टेंट ही मानते हैं या फिर कह सकते हैं कि कांस्टेंट का मतलब है कि जैसे हम फिक्स अमाउंट लेते हैं किसी भी चीज का, जैसे 2 मोल ऑक्सीजन है, 5 मोल नाइट्रोजन है, इस तरह से। ठीक है, तो कंपोजिशन लगभग हम कांस्टेंट मानते हैं, बाकी ये जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है ये वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ाया था उसमें बताया था कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो प्रोसेस के दौरान क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हो तो प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हो तो प्रोसेस के दौरान क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेट में हमने ये पढ़ा था, एक तो पढ़ा था स्टेट फंक्शंस पढ़े थे, यानी ये वेरिएबल या फिर कह सकते हैं फंक्शंस दो तरह के पढ़े थे हमने, एक तो पढ़ा था स्टेट फंक्शन और एक पढ़ा था पाथ फंक्शन, यानी पाथ फंक्शंस कौन से होते हैं और स्टेट फंक्शंस कौन से होते हैं। स्टेट फंक्शंस के बारे में मैंने क्या बताया था, स्टेट फंक्शंस कौन से होते हैं, स्टेट फंक्शंस क्या, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं सिस्टम के, यानी इस तरह के फंक्शंस जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट किस वे से मिली या किस तरह से प्राप्त हुई उस बात पर डिपेंड नहीं करते, वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन होते हैं। जबकि पाथ फंक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था, इस तरह के फंक्शन जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट किस तरह से मिली, किस पाथ से मिली, इस बात पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल मैंने बताया था, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंपोजिशन है, एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, इस तरह से। ठीक है, इसके मैंने बताया था पाथ फंक्शन कौन से होते हैं, वर्क और हीट। ठीक है, तो ये जो स्टेट फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, ये क्या है, जो भी स्टेट फंक्शन है उनका अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन देखिए वो हमेशा जीरो है। ठीक है, अभी मैंने साइक्लिक प्रोसेस में मैंने ये बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि सिस्टम वेरियस स्टेट से होता हुआ फाइनली क्या होता है, इनिशियल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो स्टेट फंक्शन में चेंज अगर देखे तो वो जीरो आएगा, तो हम कहेंगे कि जो साइक्लिक इंटीग्रेशन होता है स्टेट फंक्शन का वो क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह से ds is equal to zero, dt is equal to zero। ठीक है, जबकि पाथ फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है। इसके अलावा ये जो स्टेट फंक्शन होते हैं इनको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इनको इस डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है जैसे डेल ई का मतलब हुआ E2 - E1, EF - EI या E2 - E1, यानी फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी में से इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा। तो डेल का मतलब है, स्टेट से मतलब है कि इस तरह के फंक्शन जो ओनली सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, जबकि पाथ फंक्शन को कभी भी डेल से रिप्रेजेंट नहीं करते, कभी भी डेल एच या फिर डेल डब्ल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, इनको लिखेंगे डेल डब्ल्यू, डेल एच या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं डी डब्ल्यू या डी एस से भी शो करते हैं। ठीक है,
अब बात करूं जैसे ये स्टेट फंक्शंस जो होते हैं, स्टेट फंक्शन एग्जैक्ट, वन मिनट, स्टेट फंक्शंस जो होते हैं स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि कोई फंक्शन है जेड, कोई स्टेट फंक्शन एक्स वाई जेड, मतलब जेड है वो स्टेट फंक्शन है। मान लीजिए वो दो कोई भी फैक्टर है एक्स और वाई, उस पर डिपेंड करता है, तो जेड जो होगा वो एक्स और वाई का फंक्शन होगा। यानी कि कोई भी स्टेट फंक्शन जेड है जो वो जो अदर फंक्शन अदर वेरिएबल जो है एक्स और वाई उस पर डिपेंड करता है, तो ये जो जेड हुआ वो एक्स और वाई का फंक्शन होगा। तो ये क्या है, एक इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल से क्या मतलब है कि डी जेड इक्वल टू डेल जेड डेल एक्स के सापेक्ष, और वाई को क्या रखेंगे कांस्टेंट, डी एक्स डेल जेड डेल वाई, और एक्स को क्या रखेंगे कांस्टेंट, डी वाई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का ये मतलब होता है, ठीक है। जबकि पाथ फंक्शन जो होते हैं वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे लिखे एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, ठीक है। तो इसको अपन कैसे शो करेंगे, डी ई इक्वल टू लिखेंगे डेल ई अपॉन डेल टी, इसके सापेक्ष टेम्परेचर के सापेक्ष वेरिएशन देखेंगे पहले, वॉल्यूम को क्या रखा कॉन्स्टेंट डी टी, प्लस डेल ई, अब वॉल्यूम के सापेक्ष डेल वी, और टेम्परेचर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट डी वी, इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, और पाथ फंक्शन क्या होते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इसके अलावा आपने थर्मोडायनेमिक लॉज के बारे में पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक लॉज के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, हमने सिर्फ थोड़ा सा बेसिक देखा था। तो आज तक का अपना थ्री लेक्चर्स में इतना ही कंप्लीट हो